हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रांस नॉलेज। आज बात करने वाले हैं 11th एमयू में जो पूछे गए हैं वाले मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एनसीईआरटी 10th क्लास से लिए गए एग्जांपल है। दो अंकों के एक संख्या एक उसके अंकों का उलटने पर बना संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंतर दो हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली इसको सोल्यूशन करें, एक्स तथा इकाई संख्या वाई, तो संख्या बराबर 10x+y। अंकों को उलटने पर बना संख्या, तो अंक उलटने पर बना संख्या 10y+x। अब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 66। दोनों को ऐड कर देंगे, 10x+y+10y+x इज इक्वल टू कितना है? 60। दोनों को कैलकुलेट दें, योग कितना है? 66। 66 लिखेंगे। अब 10x+x है, मैं 11x+10y+y 11y इज इक्वल टू 66 ये वाला। अब 11th यहाँ कॉमन ले लेंगे, x+y इज इक्वल टू 66। ये 11th अब कट जाएगा, 11 6 है 66, 6 बार में कट गया, यानी x+y = 6। ये समीकरण पहला मान लेते हैं। और संख्या का अंतर कितना है? 2, तो x-y = 2, समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से देख लें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ सॉल्व करना, आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं हिंदी में। तो x+y = 6 है, x-y = 2। अब सिंपल इसमें माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ तो प्लस माइनस, तो x कट जाएगा, y+y = 2y = 6 में 2 चले जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो y से डिवाइड कर, 2 × 4 यानी y = 2। y का मान समीकरण किसी एक में रख दिए, एक या दो में, सिंपल एक में ही रखने पर समीकरण एक है x+y = 6। तो x+y = 6, तो एक्स का मान कितना है? एक्स निकालना है, प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है सॉल्व करके? 2, सिंपल यहाँ 2 लिख देना है, = 6। तो x = 6 - 2 = 4, ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। अब सिंपली हमको संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर कितना होगा? 10x+y, तो 10 एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। एक्स का वैल्यू यहाँ कितना निकला? 4। इसको सिंपल यहाँ लिख देना है, 4+y कितना है? 2 कर देना, 10 × 40 + 2 = 42। एक संख्या ये हो गया, या एक संख्या और ये होगा, 10y+x। 10 × y का वैल्यू कितना निकला? 2। 2+x = 4, 20+4 = 24। ये हमारा करेक्ट है। अगर किसी दोनों में अगर जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वहाँ तो ऑप्शन में होगा, तो उसको आप टिक कर देना सॉल्व करके, चाहे 42 होगा या 24, ये दोनों सही है। अब देखना है मुझे कि दोनों सही है या नहीं, सिंपल अगर चेक करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 64 आता है या नहीं, कितना
42 प्लस 24, अब ऐड करने पर 4 2 6, 4 2 6 यानी 66 मैथ करेक्ट है।